पीओ और क्लर्क की सबसे अच्छी वैकेंसी साल आई है, और उसके साथ एक और बम्पर वैकेंसी आईबीपीएस लेकर आया है, जिसमें भारत में जितने भी नेशनलाइज बैंक है, 11 नेशनलाइज बैंकों के लिए क्लर्क की रिक्रूटमेंट होने वाली है, और इस बार इसमें 6,000 पोस्ट आई है। और इसके लिए ये सारी डिटेल्स हैं, जहां पर आपको कब फॉर्म भरना है, एज क्राइटेरिया क्या है, आपकी माइनस मार्किंग प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के द्वारा, आईबीपीएस के द्वारा है, तो क्लर्क 2024 के रिक्रूटमेंट आई, इसमें 6,000 वैकेंसीज है, उनके बारे में कहां से फॉर्म भरना है, किस स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है, क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी है। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे किस स्टेट से फॉर्म भरना है, तब तक आप हो सकता है उस स्टेट से फॉर्म भर दे जहाँ कट ऑफ बहुत ज्यादा है। इसके अलावा क्या हम किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, क्या लैंग्वेज बैरियर है इसमें, इन सभी बातों के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे आपको, देखिएगा अंत तक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये आईबीपीएस क्लर्क की रिक्रूटमेंट आई है, और आईबीपीएस क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट है वो कॉमन रिक्रूटमेंट है, जो इस बार 14th टाइम आएगी, यानी कि 14 बार से, 14 ईयर से ये आईबीपीएस रिक्रूटमेंट निकालता है हर साल। कैलेंडर फिक्स है, एग्जामिनेशन फिक्स है, 6 मंथ में सारी प्रोसेस हो जाती है, और इसके लिए आपको रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करना है, 1 अप्रैल तक आपकी सारी प्रोसेस होकर रिजल्ट आ जाएगा 1 अप्रैल 2025 को। अगर आप चाहते हैं इन 6 to 8 months में अपनी योग्यता को परखना, एक सरकारी नौकरी पाना, और आप चाहते हैं कि आप बैंक में क्लर्क बने, तो उसके लिए ढाका पोर्ट में ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 1 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, जो कि 21 जुलाई तक स्टार्ट, 21 जुलाई तक चलेंगे, और अगस्त 2024 में इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके कुछ ही दिनों बाद, यानी 20 से 25 दिन का टाइम होता है, और मेंस का एग्जाम भी इसका हो जाता है। तो आप देखिए सितंबर में ही आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, यानी बहुत ही कम अंतराल बचा हुआ है। इसमें क्या क्या चीजें आपको करना है, क्या 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 चीजें इसकी जानकारी है, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो फाइल मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईबीपीएस का, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मेन मेन जानकारी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल, इंडियन बैंक, यूको यूनियन, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये बैंकों में ये रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, कौन इसको भर सकता है, तो वो व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो वो व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन किया है और 20 से 28 साल के बीच में उसकी उम्र है, वो भर सकता है। यहाँ पर डेट भी दी हुई है, 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2004 के बीच अगर उसका बर्थ है, यानी 20 से 28 ईयर्स का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। और अगर कोई ओबीसी का व्यक्ति है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन उसको मिलेगा। योग्यता की अगर बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो आपका सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, एमसीए किया है, बीसीए पीसीए किया है, बीबीए किया है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई से भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने सिर्फ और ग्रेजुएशन की डिग्री लो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक कंप्यूटर लिटरेसी का यहाँ पर बोला गया है, तो ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, जैसे उसके पास कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, कंप्यूटर लैंग्वेज किसी भी चीज में आपका, अगर आपने कॉलेज लेवल पे भी कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी चलेगा, इसमें कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन IIMS पे इस बार तो ये है। फिर आप किस स्टेट से भरना चाहते हैं, वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे जैसे आप मान लीजिए मुंबई से फॉर्म भरते, महाराष्ट्र से फॉर्म भरते, तो महाराष्ट्र के लिए आपको मराठी आनी चाहिए, गुजरात से भरते गुजराती आनी चाहिए, अगर आपने 8th में गुजराती पढ़ी है तब आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जैसे राजस्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं तो राजस्थान में हिंदी चलती है, अगर आपने 8th में हिंदी पास की है तब आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप अगर आप ऐसे स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं जिसकी लैंग्वेज आपने 8th में पास नहीं की है, तो फिर आपको उसका टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपकी लैंग्वेज में रीड, राइट, स्पीक तीनों नॉलेज टेस्ट किए जाते हैं। तो ये एलपीटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज इस वैकेंसी में ही दिया हुआ है, जैसे हिंदी स्टेट की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, हरियाणा, ये सारे ही आपके हिंदी स्टेट है, महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, अलग अलग लैंग्वेजेस की अलग अलग है, जैसे पंजाब में पंजाबी है, अगर आप तमिलनाडु में चले जाएंगे तमिल है,
कर्नाटक में अलग लैंग्वेज है, हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है, वहां से अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो आपको कन्नड़ तमिल वगैरह सीखनी पड़ेगी। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। इसमें क्या आता है आपके प्री और मेंस की अगर हम बात करें तो प्री और मेंस का क्या है, देखिए प्री में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश मैथमेटिक्स और रीजनिंग में ये क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 30, 35 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, आपको इसके लिए सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं, लेकिन वो 60 मिनट डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम है। डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम का मतलब ये कि हर सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट्स मिलेंगे, ओवरऑल 60 मिनट मिलेंगे, लेकिन हर सेक्शन के लिए 60 मिनट है। और प्री में आपका हर टेस्ट में क्वालिफाई करना होता है, यानी सेक्शनल कट ऑफ भी है और टोटल कट ऑफ भी। तो ये प्री का पैटर्न है। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा और उसमें पास होना पड़ेगा। मेंस के एग्जाम में क्या पैटर्न है, तो मेंस के एग्जाम में सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, इंग्लिश यहाँ पर भी है, रीजनिंग यहाँ पर भी है, क्वांट यहाँ पर भी है, लेकिन जनरल जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। उसके 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर भी आपका सेक्शनल टाइम मिलेगा, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा। 190 क्वेश्चंस, 200 नंबर के क्वेश्चन है आपके, और 160 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ये हो गया प्री और मेंस की हमने बात की, एज की बात की, क्वालिफिकेशन की बात की, हमने देखा किस स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है, हमने देखा एलपीटी क्या होता है। अब हम देखते हैं कि किस स्टेट में सबसे अच्छी वैकेंसी है और कौन से स्टेट से भर सकते हैं। तो कुछ स्टेट का मैंने यहाँ पर लगाया है, उनको आप देख सकते हैं, वहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग तरीके से अपनी योग्यता को देखते हुए दूसरे स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जैसे आपका रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की रिक्रूटमेंट क्या है, क्योंकि हमारे एडजोइनिंग स्टेट है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारा बॉर्डर स्टेट है, इसलिए हम यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में जो टोटल रिक्रूटमेंट है वो इधर दी हुई है, टोटल रिक्रूटमेंट है 236 रिक्रूटमेंट है। तो अलग अलग स्टेट की क्या अलग अलग रिक्रूटमेंट है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो गुजरात की अगर बात करें तो हमने देखा कि गुजरात में 236 रिक्रूटमेंट है। एमपी, राजस्थान, इनकी हमें पहले बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ वाले स्टेट है। तो एमपी में 354 वैकेंसी है और राजस्थान में इस बार 205 वैकेंसी। इन तीन स्टेट में अगर आप कोई स्टेट चूज करते हैं तो मुझे लगता है सबसे कम कट ऑफ गुजरात की रहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लैंग्वेज सीख सकता है, उसको लगता है कि मैं गुजराती लैंग्वेज सीख सकता हूँ, तो उसको गुजरात से फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अभी SBI का जो रिजल्ट आया है, SBI क्लर्क के रिजल्ट में गुजरात की कट ऑफ रही है 76 जनरल की और राजस्थान की कट ऑफ रही है जनरल की 80। OBC की अगर बात करें तो राजस्थान की कट ऑफ है 75 और गुजरात की कट ऑफ है 70, अराउंड 4 से 5 नंबर का फर्क है। तो गुजरात में रिक्रूटमेंट ठीक है राजस्थान के मुकाबले, आप राजस्थान जा सकते हैं। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं गुजराती नहीं सीख सकता हूं, तो फिर उसके लिए MP बेहतर ऑप्शन है राजस्थान से। तो ये तीन स्टेट हमारे बॉर्डर स्टेट है, यहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, वो ये सोच रहा है कि मुझे किसी भी स्टेट से नौकरी मिल जाए, जॉब ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तो मैं 2-3 स्टेट और बता देता हूँ जहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र से अगर आप फॉर्म भरना चाहे तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर ऑप्शन इस बार महाराष्ट्र है, क्योंकि वहाँ 600+ रिक्रूटमेंट है, यानी कि 590 रिक्रूटमेंट महाराष्ट्र से, और ये 590 रिक्रूटमेंट काफी बड़ी रिक्रूटमेंट है ऐसे स्टेट में जहां पर अदर जॉब्स भी बहुत है, जहां पर कमर्शियल कैपिटल है हमारे इंडिया की, और वहां पर क्लर्क को 30-35,000 मिलते हैं, जबकि बहुत सारी कंपनीज उनको उससे ज्यादा ऑफर करती है। तो वहां के लोकल लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुझान कम है, इसलिए वहां पर कट ऑफ वैसे भी कम रहती है और इस बार तो रिक्रूटमेंट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरते हैं तो आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। आप में से कोई वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने 8वीं मराठी में पास की है, उनके लिए लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, तो महाराष्ट्र से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक और ऐसा स्टेट जहां पर हिंदी लैंग्वेज हो लेकिन रिक्रूटमेंट अच्छी हो, तो यूपी है। यूपी से आपकी 1246 वैकेंसी है, 1264 रिक्रूटमेंट है यूपी से, यहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि यूपी के पॉपुलेशन के हिसाब से वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, महाराष्ट्र बेहतर ऑप्शन है, लेकिन आप हिंदी स्टेट से आते हैं तो यूपी भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटका में भी इस बार बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट है, लेकिन तमिल और कन्नड़ सीखना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप तमिल और कन्नड़ सीख सकते हैं तो मैं कहूँगा तमिलनाडु और कर्नाटका भी इस बार बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है ज्यादातर उन स्टेट में जहां पर लैंग्वेज का बैरियर होता है, वो इंटरव्यू में बाहर कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि इसको इंटरव्यू में लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा, इसको कम नंबर देते हैं, लेकिन क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं है,
आपका मेंस अच्छा गया है, दैट मीन्स आप पास हो गए। अब आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपका जो टेस्ट होगा उसमें भी टाइम मिलता है आपको। अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो तमिलनाडु और कर्नाटक में भी, मुझे लगता है तमिलनाडु इज बेटर ऑप्शन। 600 प्लस रिक्रूटमेंट है, कर्नाटक में 400 प्लस रिक्रूटमेंट है। कहाँ से फॉर्म भरना है ये अपना सर्वेक्षण निर्णय लें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कोई पहली बार दे रहा है, किसी के फैमिली प्रॉब्लम है वो राजस्थान छोड़ के नहीं जा सकता है, किसी को नौकरी चाहिए चाहिए 4 साल से तैयारी कर रहा है, किसी को गुजराती आती है, कोई लैंग्वेज सीख सकता है, कोई नहीं सीख सकता है, बहुत सारी चीजें। मैंने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ से क्या रिक्रूटमेंट है, कहाँ कहाँ से चांसेस क्या है। ये 3 स्टेट तो बॉर्डरिंग स्टेट है, अगर आप गुजराती जाएं तो बेहतर ऑप्शन है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो मुझे लगता है ये है। अगर आप गुजराती नहीं सीखना चाहते तो फिर सेकंड प्रायोरिटी आप एमपी में चले जाइएगा, कि हमारे पास में भी राजस्थान तो ऑप्शन है ये आपका, लेकिन रिक्रूटमेंट थोड़ी कम है इस बार। महाराष्ट्र और यूपी का मैंने बताया था आपको कि यूपी बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, हिंदी नहीं सीखना पड़ेगी, लेकिन महाराष्ट्र जो है कट ऑफ कम रहने के पूरे पूरे चांसेस है। मुझे लगता है कम से कम 5-7 नंबर कट ऑफ रह सकते हैं कम, लेकिन पेपर वहां से कितने लोग दे रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा, ये एक अनुमान है जिनके बेस पर हम रिस्क ले सकते हैं। तो ये मैंने रिक्रूटमेंट का बताया आपको। अगर आप देखना चाहें उसमें तो अलग अलग कैटेगरी की रिक्रूटमेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे देखिए मध्य प्रदेश में 354 रिक्रूटमेंट है, अलग अलग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सब में बटी हुई रिक्रूटमेंट है। महाराष्ट्र की रिक्रूटमेंट देखिए 590 रिक्रूटमेंट है। तो आप इस हिसाब से निर्णय लीजिए, फॉर्म जरूर और पहले भर दीजिएगा, ताकि वेबसाइट पे बहुत ज्यादा जब रश हो जाता है तो कई बार फॉर्म भरने से रह जाते हैं। अच्छे से तैयारी करिए, बहुत कम टाइम है प्री और मेंस में, उसके बाद में 1 अप्रैल को उसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आपके पास में कम समय में अगर सफलता चाहते हैं तो काफी अच्छा रिक्रूटमेंट है। किसी ने पहले पढ़ रखा है वो भी अपने नॉलेज को रिवाइज करके ब्रशअप करके फॉर्म भर सकता है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो अभी भी उसके पास इनफ टाइम है, वो प्रीलिम्स की तैयारी तो कर ही सकता है, उसके बाद में 1.5 महीना और मिल जाएगा जिसमें वो मेंस की तैयारी कर पाएगा। तो आज ही फॉर्म भरे और ये जो रिक्रूटमेंट है इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।